एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज मुझे प्ले स्टोर पे मिले बहुत सारे तारक मेहता वाले गेम, और आज का हमारा सबसे पहला गेम है रन जेठा रन, तारक मेहता का भाई। इस गेम के अंदर तारक मेहता का म्यूजिक बज रहा है, तो अपन अगर स्टार्ट करेंगे तो अपने को भागना है। उधर समर भाग रहा है, इधर ओ बापूजी, बापूजी, बापूजी इधर आओ बापूजी। भाई गिरा के नॉनसेंस बोलता है। रुको मैं काम करता हूँ, मैं ना इधर रुका रहूंगा, नीचे आते ही गिराऊंगा दोनों को। बाप रे बाप, मजा आ जाएगा कुछ। भाई इस पे जेठा के डायलॉग्स भी है। इधर आ दया, दया इधर आ। अरे इधर जाना, तुझे एक बाजू रहना भाई। भाई ओए कैसा बबीता जी, बबीता जी ने गिरा दिया। उसल मिसल, उसल मिसल जेठा ये गेम में भी सिंपिंग कर रहा है। ओ, और इस गेम में कैरेक्टर्स भी अलग अलग है। मैं चंपक लाल बन सकता हूँ, और ये क्या बेइज्जती है। चंपक लाल बापूजी है, बापूजी कमीज से नाम लिखो, चंपक लाल क्या होता है। और चंपक लाल बापूजी को अनलॉक करने के लिए अपने को 100 रुपया देना पड़ेगा। भिड़े के लिए 89, सोडी के लिए 69, और जेठालाल का इज्जत ही नहीं है। जेठालाल फ्री में अनलॉक्ड है। ओके, इस बार मेरे को गेम जीतना है, इस बार मेरे को गेम नहीं हारना है। और ओ मैं आ गया, ओ अब तो मुझे कोई हरा सकता ही नहीं है। और इसी के साथ विदर विदर चिकन डिनर। जेठालाल के साथ नाच रहे, देखो गाइस ये था रन जेठा रन। अब बारी है रेटिंग की। तो सबसे पहले तो इस गेम में हम जेठालाल बनकर खेल सकते हैं, हम पोपट लाल और बापूजी को गिरा सकते हैं, और मेरा फेवरेट हम इस गेम में नॉनसेंस बोल सकते हैं। तो इस गेम को मैं दूंगा 5 out of 5 stars। ऑलराइट, तो हमारा अगला गेम है भिड़े स्कूटर रेस, और इस गेम में भी पैसा मांग रहा है ऐड निकालने के लिए। 49 मैं नहीं देगा, मैं ऐड के साथ ही खेलेगा, क्योंकि मेरे पास ऐड निकालने के लिए बहुत ही खतरनाक सा निंजा टेक्निक है। सबसे पहले इसको निकालने का और कर देने का वाईफाई मोबाइल डेटा को ऑफ। अब ऐड लाके दिखा। तो अगर मैंने डेटा बंद कर दिया तो ओ शिट, इन लोग मेरे से एक कदम आगे निकल गए। बोला नो इंटरनेट नो गेम, सॉरी भिड़े सर सॉरी। मेरा खुद का घर चलता है एड्स पे, मैं भी एड्स देखेगा। भाई ये तो हिल क्लाइंबर वाला रेस है। वो कौन सा गेम था हिल क्लाइंबर वाला, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर तुम्हें पता है गेम का नाम तो कमेंट करके बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक सो हिल। ओ भाई भिड़े 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 मरेगा ये, ऐसा क्या स्पीड में जा रहा है भिड़े, पागल है भिड़े, उम्र हो गया ये क्या कर रहे हैं भिड़े। चल सखाराम शुरू करो अपना काम, चलो शुरू करो अपना काम। ओ भाई भिड़े का स्कूटर, ओ ओ ओ शिट ओ शिट, भिड़े 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 सर, भिड़े सर आराम से, भिड़े सर गाड़ी पलटी होएगा, भिड़े सर स्कूटर है तुम्हारा, लैम्बोर्गिनी नहीं है वो। भिड़े सर इधर डायरेक्टली भगाने को तैयार है। ओ ओ बच गया, मेरे को लग गया ओ मेरा पेट्रोल खत्म हो रहा है। यार ये गेम पूरा हिल क्लाइंबिंग रेस जैसा है। ओ शिट गया भिड़े का स्कूटर फिर से। ये क्या ऐड आ रहा है BGMI 3। भाई प्ले स्टोर पे गेम डालने वाले डेवलपर्स जो है ना, उन लोग अलग लेवल पे जीते। BGMI 1-2 ने सीधा BGMI 3। तो ये था भिड़े स्कूटर रेस। अब बढ़ते हैं रेटिंग्स की तरफ। तो पहले तो ये गेम सीधा का सीधा कॉपी है, और मेरे पास ऑनेस्टली कुछ बोलने को है नहीं। तो इस गेम को मैं दूंगा 1 out of 5 stars। तो हमारा आज का अगला गेम है ईट गोली ईट, और इस गेम में सामने अपने पास गोली है जो कि कुछ तो खा रहा है, पता नहीं वो क्या निकाल के खा रहा है। गोली क्या है वो तेरे हाथ में। हो गया, तो सबसे पहले लेवल 1 खेलेंगे अपन। और ठीक है, मेक मैच 3 same fruit। भाई ये तो कैंडी क्रश है, और ये पीछे कौन सा म्यूजिक बज रही है। आई थिंक गोली वाला म्यूजिक है, पर कुछ ज्यादा ही जोर से म्यूजिक कान में बज रहा है। ओके, अपने को इस गेम में फ्रूट्स मैच करना है, और आई थिंक अपना टारगेट है कि अपने को वो जो लाल वाला था स्ट्रॉबेरी वो करने का था, अपन ने कर दिया है। और अभी अपने को 3 संतरा मैच करना है। अभी संतरा किधर है, ये रहा, फाइनली हो गया अपना ये तीनों मैच। और इसी के साथ गाइस अपन ने क्लियर कर लिया लेवल 1 और ऐड आ गया। ये गेम क्यों बनाया इन लोगों ने, मतलब जब इस गेम का प्लानिंग किया गया था, जिसने भी लाके बोला कि ऐसा गेम बनाते हैं, उसे क्या लगा था लोगों को पता नहीं है कैंडी क्रश क्या है। लिटरली कैंडी क्रश इंडिया में हर बंदा खेलता है, हर अंकल आंटी, तुम्हारे मम्मी पापा भी खेलते रहेंगे, मेरे वाले भी खेलते हैं। मेरी मम्मी आई थिंक सो 5000-6000 लेवल पे, तुम्हारी मम्मी कौन से लेवल पे बताओ कमेंट करके मेरे को। लेट्स सी गाइस कैंडी क्रश में किसकी मम्मी सबसे ज्यादा लेवल पर है। और वैसे देखो गाइस, मैंने रोस्टिंग के लिए दूसरा चैनल खोल के रखा है, और मैं इस चैनल में रोस्टिंग करता नहीं हूँ, बट देन गाइस इस गेम से अच्छा मैं कैंडी क्रश ही खेल लूंगा। तो ऑलराइट गाइस, अब बढ़ते रेटिंग की तरफ। तो ये गेम बस कैंडी क्रश है, गोली थीम्ड कैंडी क्रश, इसलिए इसको मैं दूंगा 0 out of 5 star। इससे अच्छा असली कैंडी क्रश खेल लो जाके। ओके, सो अपना अगला गेम है पोपट शॉर्टकट रेस। ओके, सो इस गेम में अपने को क्या करना है, तो डायरेक्टली स्टार्ट दबाते और देखते हैं, स्लाइड करके अपने को टर्न मारना है, और आई थिंक अपन लोग कंट्रोल कर रहे हैं पोपट लाल को। और इस गेम में क्या करना है, ओ अपने को ये लकड़ी कलेक्ट करना है। अबे सालो तुम लोग सब सामने से लेके जा रहे हो, मैं क्या लूंगा। ओके, अपने को लकड़ी, ओ मैंने गिरा दिया किसी को, तो अपने को, और मैं खुद गिर गया। भाई ये दूसरा गेम है जो सेम स्टाइल का गेम है। लिटरली अपन ने जो रन जेठा रन खेला था वो भी सिमिलर गेम था, और ये दूसरा वाला गेम भी उसी की तरह। और इस बार हमारे साथ बापू जी है, और
बचा ले मुझे। इस बार तो मेरे को खेलना है। ओ बाय द वे गाइस, मुझे बोटे ने आज बताया कि तुम में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सफेद रंग का सब्सक्राइब बटन उसके पास जाना है, उसको ऐसे 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 के मारना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके ओके ओके, अपने को प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करना है जो इन लोग सब ऑलरेडी लेकर। अब कुछ तो छोड़ो मेरे लिए। मैंने दया भी गिरा दिया। और अरे भाई वो देखो, वो देखो बापूजी के हाथ में। भाई बापूजी कितना लेके जाओगे? ओके अपने को ना ऐसे प्लेटफॉर्म बना के आगे जाना है, प्लेटफॉर्म बना के अपन फर्स्ट आ गए और जीत गए। और अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज के वीडियो को लाइक बोल रखते हैं 50,000 लाइक्स का। अबे यार ये गेम आई थिंक सो अभी तक का सबसे ज्यादा गंदा गेम था यार। तो जब ही तारक मेहता वाले ये गेम्स बनाने बैठे थे उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, एक गेम लो कंट्रोल वी कंट्रोल सी। दूसरा ऑप्शन, इंस्टाग्राम पे जाओ और जो गेम्स के एड आते हैं जैसे एड आते हैं बना दो। बट एटलीस्ट इसी बहाने अपने को ऐड वाले गेम्स तो खेलने मिल रहे हैं। एनीवे गाइस, अब चलते हैं इस गेम की रेटिंग की तरफ। तो ये वाला गेम मजेदार है क्योंकि इस गेम में हम इंस्टाग्राम के ऐड वाले गेम्स खेल सकते हैं रियल में। बस यही रीजन है और इसीलिए इस गेम को मैं दूंगा 3 out of 5 stars। हमारा अगला गेम है सॉल्व भागा सॉल्व। ये लोग मिल्खा सिंह से इंस्पायर्ड है क्या? भाग मिल्खा भाग, ईट गोली ईट, रन जेठा रन, सॉल्व भागा सॉल्व, जंप भिड़े जंप। हो गया तो बता चुके हैं सॉल्व भागा सॉल्व के अंदर। और यहाँ पे भागा हंस रहा है खड़े खड़े, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा। हो गया सो प्ले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर तीन मोड्स है, इजी मीडियम और हार्ड। सबसे पहले अपन खेलेंगे इजी। और इजी में ये क्या है, बबीता जी, और ये दूसरी कौन सी जी है मेरे को नहीं पता, मैं ऐसी बबीता जी को जानता हूँ। ये क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके अपने को सॉल्व करना है। ओके अभी ये तो वो गेम है जो बचपन में खेलते थे हम लोग। क्या तुमने कभी ये गेम बचपन में खेला है गाइस? ओके अभी अपने को बबीता जी का मुंह लगाने का इधर से। ओ अच्छा इसमें ऐसा लिमिटेड मूव्स है क्या? ओके दूसरा फोटो आ गया और ये फोटो में भिड़े फूल खरीद रहे हैं। अब इस फोटो को मेरे को बैठ के मैच करना पड़ेगा आई थिंक सो। भिड़े का मुंडी इधर था, ये भिड़े का बॉडी आ गया। ओके अपन ने भिड़े का बॉडी लगा लिया और मूव्स खत्म हो गया मेरा। भाई ये इजी वाला मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, डिफिकल्ट वाला घंटा करूंगा। ओके ओके अपन एग्जिट करेंगे, प्ले पे क्लिक करेंगे। इस बार अपन ट्राई करेंगे मीडियम, देखते हैं मीडियम में। ओह शिट मीडियम में तो और ज्यादा टाइल्स है और इसमें ये नया वाला सोडी है। भाई क्या कर रही है, इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं? ओके अपन ने गोगी का मुंह लगा दिया और अपन ने सोडी का मुंह भी लगा दिया, बट प्रॉब्लम ये है अपने को जगह, अपन ने जगह पे नहीं लगाया इनको। भाई ये गेम इतना डिफिकल्ट क्यों है? भाई मेरे से इजी भी सॉल्व नहीं हुआ, मेरे से मीडियम भी सॉल्व नहीं हुआ, तो अभी चलकर हम लोग खेलेंगे हार्ड और देखते हैं कि क्या मेरे से हार्ड सॉल्व होता है। और ये लोग, ये लड़की कौन है? गाइज मेरे को तारक मेहता देखे थोड़ा टाइम हो चुका है और मेरे को लेजिट पता नहीं तारक मेहता में क्या चल रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है ये लड़की कौन है भिड़े के साथ? मुझे नहीं पता कौन है ये। ओके ओके अपन ने ऑलमोस्ट चीजें कर दिया है आई थिंक सो कि ये वाला अपना सही से हो जाना चाहिए। ओके भिड़े का मुंडी सही जगह पे लग गया है। ओके भिड़े का बॉडी भी आ गया। ओके अपन ने भिड़े और उसके बाजू में लड़की को बना दिया सही से। अभी ये माधुरी भाभी को भी बनाना पड़ेगा पूरा। अबे यार फिर से आउट ऑफ मूव्स हो गया मैं, ये गेम मेरे से नहीं होने वाला है। तो अभी चलते हैं इस गेम के रेटिंग्स की तरफ। भाई गेम का आइडिया बहुत ज्यादा मस्त है बट देन ये गेम बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसलिए इस गेम को मैं दूंगा 3 out of 5 stars। हो गया सो अपना अगला गेम है जंप भिड़े जंप। और इस गेम में आई थिंक सब अपने पास भिड़े होगा जिसको लेके अपने को जंप मार। हो गया तो इस गेम में ऐसा बड़ा सा खंबा है और खंबे के ऊपर ऐसा भिड़े खड़े है प्लेटफॉर्म पे पता नहीं काहे को, और पीछे वहाँ पे पूरा गोकुलधाम सोसाइटी फ्लैग होस्टिंग कर रहा है। हो गया तो अपन गेम को प्ले करेंगे। चलो भिड़े मास्टर भागो। ओ शिट भिड़े काटे में गिर गया। ओके एटलीस्ट ये वाले गेम में मजा तो आ रहा है और मजा के साथ साथ गेम में ऐड भी आ रहा है। ऑलराइट लेट्स गो। ओ जब जब ओके अपने को हाई स्कोर बनाने का है। ओ शिट ओ शिट ओ शिट यार नीचे गिर गया फिर से मैं। ओके और इस गेम का म्यूजिक काटा घुस गया भाई, भिड़े के पिछवाड़े में काटा घुस गया। ओके इस बार मेरे को अच्छा खेलना है, इस बार मेरे को हाई स्कोर बनाने का है जंप भिड़े जंप में। और भाई गेम का मैकेनिक ही गंदा है गाइस। ओके और मैं डायरेक्ट काटे में घुस गया। ऑलराइट गाइस अभी मैं इस गेम में हाई स्कोर बना कर ही रहूंगा। वैसे मेरा हाई स्कोर क्या है मेरे को नहीं पता, यहाँ पे कहीं लिखा है, यहाँ पे लीडर बोर्ड है, लीडर बोर्ड। मेरा रैंक है 3571 और मेरा स्कोर है 2200। भाई मैंने 5 सेकंड खेला मेरा 2000 का पॉइंट्स हो गया। यहाँ पर गौरव जैन ने 18 लाख का स्कोर। भाई तेरे लाइफ में काम करते नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं क्या तू? तेरा एग्जाम एग्जाम नहीं आते क्या? तेरे घर वाले मारते नहीं क्या तेरे को? फियर्स थंडर इसने
सैलरी नहीं चाहिए, इनको लाखों का स्कोर चाहिए सिर्फ। ओ, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स लोग ने कितना स्कोर किया है, तो क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। और मेरे फ्रेंड्स में मैं रैंक 1 पे हूँ। बट गाइस यार मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंडलेस लाइफ गाइस। ओके गाइस, तो इस गेम में गौरव जैन 3685 ने 18 लाख का स्कोर किया है, और मैं द प्रोस्ट ऑफ द प्रोस द रॉक इन द गेम्स बीट करने वाला हूँ गौरव जैन का स्कोर। आ जाओ गाइस, जंप भिड़े जंप में चलकर स्कोर बीट करते हैं। ओके, 3 2 1 लेट्स गो, स्कोर बीट करते अपने को। ट्रायल बॉल था गाइस, ट्रायल बॉल, असली गेम अब भी, नाउ स्टार्ट्स द रियल गेम। ओके, 3 2 1 लेट्स गो, चलो भिड़े भाई। ओ, 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 क्या खेला है, क्या खेला है, क्या जंप मारा है। ओके 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 ओके, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। ओ शिट, नाइस नाइस, मैं टॉप स्कोर बीट करने वाला हूं। मुझे पता भी नहीं मेरा कितना टॉप स्कोर हुआ है, मैं देखा। ओ शिट गाइस, आई हैव नो आइडिया मैं कैसे खेल रहा हूँ, आई लेजिट हैव नो आइडिया मैं कैसे खेल रहा हूँ। मैंने स्कोर किया है 17,869, बस 19-20 का फर्क, 18,17,000 फर्क, 19-20 का है, 18-17 है ना उसमें, बस है, मैं आ गया, मैंने स्कोर कर लिया। anyway guys, अब पढ़ते हैं इस गेम के रेटिंग की तरफ। तो ये आज के दिन का पहला ऐसा गेम है जो किसी का कॉपी नहीं लग रहा है, और ये गेम खेल कर genuinely मुझे बहुत मजा आया, तो इसी खुशी में मैं इस गेम को देने वाला हूँ 4 out of 5 stars। हो गया, तो अब अगला गेम है तारक फ्रूट मैच, और इस गेम में अपने को क्या करना है भाई। इन लोगों ने लिटरली 2 बार कैंडी क्रश को कॉपी किया है, और बाय द वे अगर तुम लोग को नहीं पता, ये सारे गेम्स तारक मेहता के ऑफिशियल गेम्स हैं, और इन सभी गेम्स को एक ही कंपनी ने बनाया, मतलब इन लोगों ने कैंडी क्रश को 2 बार कॉपी किया। और इस गेम में क्या करना है अपने को, अपने को ओके थोड़ा सा अलग कैंडी क्रश है, अपने को ऐसा ऐसा करके मैचिंग करने का है, जो मेरे को ऐसा 2 साल के बच्चे लोग का गेम लग रहा है। तो ये अपन ने पूल मैच कर दिया, और ये तारक मेहता क्या कर रहे हैं, कैसा मुंह बनाया तारक मेहता ने, ऐसा ऐसा एक आग बंद है और मुंह ऐसा वाकड़ा है, ऐसा वाकड़ा, ये लग रहा है तारक मेहता, ऐसा वाकड़ा मुंह वाला। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये आ गया अपना अगला लेवल, और इस लेवल में अपने को ओके ऐसे 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 मैच करना है, ऐसे मैच करना है, ये फूल मैच करता है, ये मैच करता है। भाई ये नर्सरी वाले गेम क्यों डाल दिए प्ले स्टोर पे इन लोगों ने। और गाइस अपन ने अगला लेवल पार कर दिया है, और लेवल पार करते तारक मेहता फिर से आ गया, नहीं गलत आग, ये आग। गाइस अगर मैं तारक मेहता लग रहा हूँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अभी आज के वीडियो में गाइस मैंने सारे गेम डाउनलोड किए हैं गूगल प्ले स्टोर से, और गूगल प्ले स्टोर में है प्ले प्रोटेक्ट, जो कि मेरे और तुम्हारे एंड्रॉइड फोन के लिए ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे फोन को सेफ रखता है मालवेयर से। ये गूगल प्ले स्टोर के सारे गेम्स और एप्स को रेगुलरली स्कैन करता है, ये देखने के लिए कि उसमें कोई मालवेयर है तो नहीं, और अगर मालवेयर है तो उनको सीधा बोलता है निकल। तो एज अ पार्ट ऑफ टीम एंड्रॉइड, तुम सभी को सारे गेम्स और एप्स एंड्रॉइड पे सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। अगले लेवल में अपने को फिर से फ्रूट मैचिंग करना है। कांट फाइंड कलेक्टेबल टाइल्स, ट्राई द हिंट आइटम। भाई तो एक तो गेम इतना सिंपल, मतलब गेम इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, मेरे घर में उड़ता मच्छर को पकड़ के खिला दूं खेल लेगा वो, और उसके ऊपर हिंट देके रखा है, और हिंट मेरे को बता भी रहा है क्या करना है, और मैं हिंट को दबा भी रहा हूँ खुद से। भाई क्या कर रहा है वो, क्या हो रहा है भाई, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है आज। ओके, 3 स्ट्रॉबेरी मैच कर लिया, ये 3 स्टार मैच कर दिया, ये 3 ऑमलेट मैच कर दिया, और अभी क्या मैच करेंगे, 3 संतरा मैच करेंगे, ये पता नहीं क्या है, डाल लग रहा देख के अपन ने 3 डाल मैच कर लिया, ये एक और डाल मैच कर दिया। भाई ये वाला गेम खेलने से अच्छा मैं कोकोमेलन देख लेगा बैठ के एक बार। नहीं तारक मेहता बस हो गया ये गेम, ना ही भाई ये गेम खेल रहा हूँ, ना ही मेरे को तेरा वो ऐसा वाकड़ा वाला मुंह देखने का है। तो अब बढ़ते इस गेम की रेटिंग की तरफ। क्या सुनने बैठे हो रिव्यू में, ये कैंडी क्रश का सेकंड हैंड कॉपी है, इसको मैं देगा -5 out of 5 stars। तो हमारा अगला गेम है लूडो 3D, जो कि फॉर सम रीजन एक तारक मेहता थीम्ड लूडो गेम है 3D में। ओके, तो अब गेम के अंदर आ गए, और गेम के अंदर यहाँ पर दया बहन और सोडी पता नहीं दोनों क्यों नाच रहे पागल जैसे। ओके, क्लासिक मोड, टू सेट अप अ रूम, वॉच एड और 100 coins। भाई इन गेम्स का क्या प्रॉब्लम है यार, इन लोग को ऑनलाइन अगर मुझे खेलना है तो मुझसे पैसे क्यों मांगते हैं इन लोग, और अब मैं इसको बंद कैसे करूं, पूरा गेम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब अपने को प्ले अगेंस्ट AI करना पड़ेगा, क्लासिक मोड और इसके लिए भी वॉच एड व्हाट। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ऐड देख लेगा मैं। भाई मैंने ऐड देख लिया, और यहाँ पर अभी मुझे ऑनलाइन गेम ही नहीं मिल गया।
मिल गया गेम। मैं तनिष्क, युवराज और बापू के अगेंस्ट में खेल रहा हूँ और मैं ऑफ कोर्स चूज करेगा जेठालाल। मेरे को जेठालाल चाहिए। ओ, अब तो गेम चालू हो गया और ये तो 2D में लूडो है। क्या करना है मुझे? ओ, बोले सर, व्हाट? अपन गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर लूडो खेल रहे हैं। पूरा गेम गोकुलधाम के अंदर चल रहा है और मुझे ओ मेरा छे आ गया। मेरा कैरेक्टर है जेठालाल। ओ भाई, ओके तो मेरा ग्रीन कलर है और मेरा कैरेक्टर जेठालाल है। यहाँ पर रेड कलर इस बबीता जी है, यहाँ पर ब्लू में सोडी है और ये येलो में कौन है? पोपटलाल। और एक पोपटलाल ही बाहर आ गया। ओ भाई, सोडी बाहर आ गया। ओके, एक सोडी, एक पोपटलाल और एक जेठालाल बाहर है। अभी तक बबीता जी बाहर नहीं आई है बस। ओ एक और, मैं एक और जेठा बाहर निकालेगा। मेरे को एक और जेठालाल चाहिए। पोपटलाल निकल के चल रहा है, सोडी भी चल रहा है, बबीता जी अभी तक बाहर नहीं आई है। अगर ये गेम गाइस रियल लाइफ में होता ना भाई, मेरा तीसरा जेठालाल बाहर आ गया। अगर ये गेम रियल लाइफ में होता ना गाइस, जेठालाल पक्का बबीता जी को एक वो 6 गोटी मार के दे देता। ओ भाई, मैं एक और जेठालाल बाहर निकाल सकता हूँ। व्हाट भाई, मेरे अरे जेठालाल बाहर आ गए और बबीता जी का अभी तक एक भी बबीता जी बाहर नहीं आई। भाई एक और 6। भाई क्या गेम चल रहा है, मेरा 6 पे 6 आ रहा है सिर्फ। क्या बबीता जी? ओ बबीता जी बाहर आ गई, पहली बबीता जी बाहर आ गई। अरे रुक रुक, भाग जा, किधर है डरपोक? मैं और पोपटलाल सेम जगह पर आ गए। ओ शिट, बबीता जी अभी सोडी को खा सकती है, बबीता जी सोडी को घर भगा सकती है। और सोडी बच गया 1 से। मैं ये जेठालाल को सेफ लेकर जा रहा हूं पहले। और पोपटलाल को टपली मार के क्या जाते जाते जेठालाल। बबीता जी को अगर अभी 1 आ गया, सोडी गया, ओ 2 आया, नसीब बबीता जी बच गई। ओके, मेरे को कितना चाहिए? 1, 2, 3। मेरे को अभी 3 चाहिए। ओ शिट, 4 आया यार, 4 आया। ठीक है ठीक है ठीक है, अपन जाएंगे बबीता जी के साथ। बबीता जी के साथ अपन एक ही जगह पर बैठे हैं। भाई क्या मस्त लूडो का गेम है। बबीता जी प्लीज, मेरे को मारना हो पीछे जाके। बबीता जी 2 नहीं, वेरी गुड, बबीता जी के 4 आ गए। बबीता जी पोपटलाल को सब टपली मार के जा रहे वहां से। ओ शिट, मेरा 6 आ गया, मैं इसको अंदर लेकर। ओ शिट, मेरे को दूसरे को भगाना चाहिए था। 5 आ गया भाई, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। बबीता जी पीछे से खाएगी आके मेरे को भी। और सारे सोडी बाहर आ गए, सबके सब सोडी बाहर आ गए। ओए बबीता जी को किसने मारा? बबीता जी को किसने मारा? पोपटलाल ने बबीता जी को मार दिया। नहीं, सोडी ने मारा बबीता जी को। व्हाट गाइस, अभी मेरे को सोडी का गेम बजाना पड़ेगा। सोडी ने बबीता जी को कैसा मारा? ओ शिट, पोपटलाल को अभी 1 आया तो मेरे लग गए। ओ नसीब से 1 नहीं आया। शिट शिट शिट, पोपटलाल का, ओ नसीब नसीब नसीब, बच गया मैं। सोडी फिर से उड़ाने वाला है बबीता जी को। ओ 3 आया। चल सोडी घर पे, चल सोडी घर वापस, वापस जा। बबीता जी कैसे मारा तूने? बबीता जी को सिर्फ मैं मारेगा। भग भग भग, हाँ अब मेरे को सिर्फ 1 चाहिए, बबीता जी को मैं घर भेजेगा। ओ शिट, 6 आया, अभी क्या करूं मैं? 1, 2, 3, 4, 5। सोडी सोडी, तू फिर से घर जाएगा। तूने कैसे मारा बबीता जी को? चल घर वापस। यस, मेरे को अभी फिर से 2 चाहिए। इधर एक और सोडी है भाई, सोडी का मैं डबल गेम बजाएगा अभी। और 6 आ गया। ओके, इसको बाहर निकालते, लास्ट जेठा को बाहर निकालते हैं। अभी 2 आया। ओ सोडी, चल घर पे, चल घर पे। तूने कैसा मारा बबीता जी को? और अपना 1 जेठा घर पहुंच गया। और फिर से 6 आया, इसको आगे लेके जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चल तू बट घर पे, चल भाग घर पे। और अभी ओ बबीता जी, बेचारी बबीता जी, खराब है बेचारी बबीता जी, बेचारी। भाई बबीता जी को सिर्फ मैं घर भेज सकता हूँ। ओ बबीता जी, बबीता जी आ गई। 4 आया, 4 आया। सोनी फिर से घर के अंदर। सोनी तेरे को बबीता जी को नहीं मारना चाहिए था। और मैंने एक और पोपटलाल को घर भेज दिया। गाइस, मेरे आगे 2 बबीता जी है और एज जेठालाल आई थिंक सो मुझे बबीता जी को नहीं मारना चाहिए। बबीता जी हाँ, वो कुछ नहीं करती। और मेरा 1 जेठा अंदर चला गया। 1, 2, 3, चल पोपट घर पे, चल अंदर। और अभी 1 आया है, 1 से मैं क्या करेगा? मैं पोपटलाल को फिर घर भेजेगा। चल घर के अंदर। भाई मैंने 2 पोपटलाल घर के अंदर भेज दिए। और मैंने 1 और सोडी को घर वापस भेज दिया। भाई जेठालाल ने क्या बदला लिया है सोडी से। भाई सोडी ने खाली 1 बबीता जी को अंदर भेजा, जेठालाल ने अभी तक शायद से 5। मतलब शरीर के अंदर शेर जिंदा है। और शिट, सारे सोडी घर चले गए गाइस। मेरे को अभी 1 आया। ओ मैं बबीता जी को मार सकता था, बट नहीं गाइस, नहीं। पर्सनली गाइस, एज जेठालाल अपन बबीता जी को घर में नहीं भेजेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सॉरी बबीता जी, गलती टपली पड़ेगा थोड़ा आपको। अभी बबीता जी को 4 ना आ चाहिए, वरना बबीता जी ऐसा सोचेगी नहीं मेरे बारे में। मैं जेठालाल है, मैं सिंप कर रहा है, मैं सोचेगा बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी क्या,
बबीता जी क्या किया आपने मेरे साथ? गाइस बबीता जी ने मेरे को घर के अंदर वापस भेज दिया, बट इट्स ओके गाइस, इट्स ओके गाइस। बबीता जी के लिए एक कैरेक्टर घर पे क्या, मैं पूरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बबीता जी के नाम कर दूं। ये रुको अभी इसको, इसका भी गेम बजाता मैं, 1 2 3 चल पोपट घर पे। भाई बबीता जी क्या खेल रही है गाइस, बबीता जी क्या खेल रही है, अब मेरे को एक आना चाहिए। ओ चल पोपट घर पे। बबीता जी टेंशन मत, बबीता जी आप मेरे आगे एकदम सेफ हो, मैं कुछ नहीं करेगा। और बबीता जी उनका बैड लक ही खराब है। सॉरी बबीता जी, गलती से आपका बैड लक खराब हो गया, सॉरी बबीता जी। ओ एक और बबीता जी घर पे, बेचारी बबीता जी, बबीता जी का बैड लक ही खराब है। ओ शिट, बबीता जी बाहर आ गई। बबीता जी आके सोनी को घर पे भेज दिया, सोनी को चलते फिरते कोई भी घर भेज रहा आके। अब मेरे को 1 2 3 कुछ भी आया मैं सोनी को मार सकता हूँ। दो ले, एक सोनी घर पे गया। अरे एक को मारो तो मेरे को एक और चांस मिलना चाहिए ना, मेरे को नहीं मिल रहा चांस। ओ एक और सोनी घर पे गया। भाई बबीता जी को 6 पे 6 आ रहा है, बबीता जी क्या स्पीड में निकल रही है आगे, बबीता जी को 6 पे 6। ये गेम भी सिम पे बबीता जी का, और बबीता जी ने एक साथ 2 पोपटलाल घर भेज दिया। ओके अभी मेरा सिर्फ एक ही जेठालाल बाहर बचा है। ओ भाई 6 आया, 3 इसको लेकर अल्टी मारते भाई, लास्ट जेठा है मुझे उसको घर पे लेके आना है। भाई सोडी फिर घर पे, मेरे को नहीं लगता सोडी जीतने वाला है गाइस इधर। अभी सोडी आता है घर वापस जाता है। भाई ये क्या, 1 1 2 2 आ रहा है मेरे को यार। ओ भाई सारे सो, ओ शिट ओ शिट, मेरा एक जेठालाल वापस चला गया यार, क्या नसीब खराब है यार, मेरे को सिर्फ 1 1 2 2 आ रहा है। वू गेम कहीं का, ओ भाई मैंने कुछ खतरनाक डिस्कवर किया गाइस अभी जस्ट। इस गेम में यहाँ पर नीचे एक इमोजी का ऑप्शन है, भाई मैं इमोट कर सकता हूँ और जेठालाल गाना गाएगा पीछे। और ये ओ भाई है? भाई सोडी के दोनों कैसे हिल रहे, ये भी हिला वो भी हिला, व्हाट। ओके भाई ये गेम कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है, और ऑनेस्टली मेरे पास में पेशेंस नहीं बचा है, तो अभी डायरेक्टली बढ़ते हैं इसकी रेटिंग की तरफ। तो यार ऑनेस्टली आज के दिन का सबसे ज्यादा मजेदार गेम था, और अगर मैं सच्ची बताऊं तो ये आई थिंक बाय फार लूडो का सबसे ज्यादा बेस्ट थीम्ड गेम है। ये गेम मैं खुद ही बाद में खेलने वाला हूं, तो इसलिए इस गेम को मैं दूंगा 5 out of 5 स्टार्स। ओके सो हमारे आज के दिन का आखिरी गेम है मैच पूल। ओके तो इस गेम के होम स्क्रीन पे दया बहन का फोटो है, और दया बहन क्या कर रही है, जी कर रही है दया बहन। ऑलराइट गाइस शुरू करते गेम, लेट्स प्ले। और इस गेम में करना क्या है अपने को, कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव्स 16। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, क्या करने का इस ऑब्जेक्टिव है मेरे को, कोई समझाएगा मुझे करना क्या है मेरे को। ओके वेलकम टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैच पूल 2048। ओ मैंने ऐसा गेम खेला पहले 2048, ऐसा 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 वाकड़ा तिकड़ा ऐसा लाइट लाइट ऐसा हिला हिला करने जाता है। इस पर इस गेम में क्या करना है अपने को, स्वाइप टू एम। ओके एम करके अपने को क्यूब्स को मर्ज करना है उनको बड़ा। भाई ये तो 2048 का गेम हो गया, बट एटलीस्ट गाइस इस गेम को कॉपी स्टाइल में किया है। इसके पहले जो भी कॉपी गेम्स था उसको बस उठा के कंट्रोल भी कंट्रोल, इसको कॉपी में थोड़ा डिजाइन चेंज किया है, मस्त कॉपी किया, आई लाइक दिस कॉपी। ओके तो अपने को ऐसा करके एम करना है और अपने को इसको गिराना है, और अभी अपने दूसरा ब्लॉक है इसको अपने को ऐसे गिराना है, तीसरा ब्लॉक है इसको अपने को ऐसे गिराना है, और ये मर्ज हो गया। ये ब्लॉक है इसको अपने को ऐसे गिराना है, और ये मर्ज नहीं होएगा क्योंकि 4 और 8 है, ऐसे गिराना है और ये मर्ज हो गया। फिर इसको ऐसे गिराएंगे और कुछ मर्ज करने को है ही नहीं, फिर इसको ऐसा गिराएंगे और 8 8 16। यस अपन ने 16 बना लिया, वेरी गुड अपन जीत गए। ओ मैं रियलाइज नहीं किया कि ऊपर दया बहन खड़ी है, मैं अभी देख रहा हूँ, हंस हंस के देख रही बस इधर उधर। ओके तो अपना अगला गेम 1 इधर आ गया, एक और 1 बन गया 2, 1+1 2, फिर एक और 1+1+1+1=2। अरे मर्ज ही नहीं हुआ। ओके अपन धक्का मार के ऐसा मर्ज कराएंगे, वेरी गुड। इसको फेंकेंगे इधर, इसको फेंकेंगे इधर, फिर इसको फेंकेंगे इधर, ये हो गया 16। और इस बार अपने को 3 16 बनाने का, 3 एक भी नहीं, 3 16, ये हो गया 2 16। अच्छा नहीं अपने को 4 बनाने का है, वो दिखा रहा था कितना बचा है। एक और 4 आ गया, ये 8 आ गया, ये एक और आ गया 8, और ये हो गया 3 16, और 32 बन गया उधर। ये 1 पे 1 2, एक इधर 1 पे 1, ये बन गया 4। और अपने को अभी शिट, ओ यस अपन ने अभी मैच कर लिया और ये बन गए 3 16। नाइस गेम, मजा आ गया। बट अगर ये गेम में गलत शूट करने पे दया बहना गेम बहुत तजी करती,
तो और मजा आता। Anyway guys, अब बढ़ते हैं इस गेम के रेटिंग की तरफ। ओके भाई, ये वाला वो गेम है जो अंकल लोग लोकल ट्रेन में खेलते वापस घर आते हुए। ये गेम ने ऑनेस्टली मुझे लोकल ट्रेन वाले दिन याद दिला दिए। इसे मैं दूंगा 2 out of 5 stars। तो गाइस, ये थे तारक मेहता वाले गेम्स। भाई अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही गेम में मजा आया और वो है लूडो वाला गेम। तुम्हें कौन सा गेम पसंद आया और तुम कौन से गेम को कितना स्टार दोगे मुझे कमेंट करके बताओ। अगर देखा तो मजा आया लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।